माया एक बहुत ही होशियार और सुंदर लड़की थी। माया का अपनी बीमार माँ के सिवाय इस दुनिया में कोई और नहीं था। माया की माँ को कैंसर था, इसीलिए माया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चलाती थी। वो अपनी बीमार माँ के लिए दवाई गोली का इंतजाम किया करती थी। एक रोज माया मंदिर में भगवान से बोलती है, भगवान जी, आप तो जानते ही हो कि मेरी माँ को कैंसर है, इसीलिए उनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है और ट्यूशन के पैसे से तो बस घर का खर्च ही चल पाता है। भगवान जी, प्लीज कुछ कीजिए ना कि मेरी किसी बड़े अच्छे से स्कूल में टीचर की नौकरी लग जाए। माया मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने ऐसे बोल ही रही होती है कि तभी माया को विकासपुर के मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल सर का फोन आता है। हेलो माया जी, मैं विकासपुर के मॉडर्न स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। आप कल से स्कूल ज्वाइन कर सकती हैं, तो प्लीज टाइम पर स्कूल आ जाना। ये खबर सुनते ही माया खुशी से झूमने लगती है। अरे वाह भगवान जी, आपने तो मेरी सिलेक्शन सीधे विकासपुर के मॉडर्न स्कूल में करा दिया। फिर अगले ही दिन माया टाइम पर स्कूल पहुंचती है। माया जी, आपको 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना है जो कि बहुत ही शरारती हैं। छोटे बच्चों को तो शरारत करने पर डांट कर चुप कराया जा सकता है, पर बड़े बच्चों को डांट कर चुप करना बहुत ही मुश्किल काम है। सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ऐसा बोलकर माया 12वीं क्लास में जाती है और देखती है कि सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी न्यू टीचर माया हूँ और अब से मैं ही आपको पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट विक्रम अपने दोस्त जिवेश से बोलता है। यार, ये लड़की हमारी टीचर है। अरे मुझे तो ये टीचर कम स्टूडेंट ज्यादा लग रही है। कुछ भी कहो, टीचर जी हैं बड़ी खूबसूरत। ऐसे बोलकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? टीचर जी, आपको हमारी बातों पर दिलचस्पी दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको तो हमें बढ़ाने में दिलचस्पी दिखानी चाहिए। जिवेश की बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। माया को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। माया अपने मन में बोलती है, अभी इन बच्चों पर गुस्सा करना ठीक नहीं होगा। ऐसा बोलकर माया बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है कि तभी वे देखती है कि जिवेश का ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। ये देखकर माया को बहुत गुस्सा आता है और उसे बोलती है, जिवेश, क्या तुम्हें पता नहीं कि स्कूल में स्टूडेंट को फोन लाना अलाउड नहीं है? तुम स्कूल में पढ़ने आते हो या फिर गेम खेलने? अब ये फोन तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। आप इस स्कूल में अभी नई नई आई हो ना, इसलिए मुझे नहीं जानती हो कि मैं जिवेश मल्होत्रा, रविंद्र मल्होत्रा का बेटा हूँ। मेरे डैड इस शहर के बहुत बड़े और नामी बिजनेसमैन हैं। अगर उन्हें पता चला कि आपने मेरा यानी कि जिवेश मल्होत्रा का फोन छीना है, तो आप गई काम से। तुम किसी के भी बेटे हो, ये फोन तो तुम्हें अब नहीं मिलेगा। यार मैडम जी बहुत सुंदर है तो रौब तो दिखाएंगे ही, और अभी तू शांत रह, इस माया को बाद में मजा चखाएंगे। अगले दिन माया स्कूल जाती है और अपनी क्लास में जाकर देखती है कि सभी बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। 12वीं क्लास, ये कितना शोर मचा रखा है तुम लोगों ने। और जिवेश, तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया? टीचर जी, आपको क्या लगा आप मुझसे मेरा फोन छीन लोगे तो मैं स्कूल में फोन नहीं ला पाऊंगा? आपने मुझसे मेरा एक फोन छीना तो देखो मैं आज दूसरा फोन ले आया। वैसे मैम, आज आप एकदम मस्त लग रही हो, जरा मेरे साथ मेरे न्यू फोन में सेल्फी तो खिंचवा लो। यार विक्रम, तू भी आ जा, हम साथ में सेल्फी खिंचवाते हैं। ऐसे बोलकर जिवेश और विक्रम माया के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और जिवेश मैम के साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने लगता है। ये देखकर माया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जिवेश और विक्रम को गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये देखकर क्लास के सभी बच्चे जिवेश और विक्रम पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। माया जिवेश से उसका फोन लेकर प्रिंसिपल सर को दे आती है। मैम, आपने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया, अब देखना मैं आपका क्या हाल करता हूँ। जिवेश, मैम को अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, इसे तो हम बाद में सबक सिखाएंगे। कुछ ही देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे और टीचर स्कूल से घर जाने के लिए निकल जाते हैं। विक्रम रास्ते में जिवेश से बोलता है, यार जिवेश, माया टीचर स्कूल के पीछे वाले रास्ते से अपने घर जाती है और उस रास्ते में ज्यादा कोई आता जाता भी नहीं है, तो यही मौका है उस माया से अपने थप्पड़ का बदला लेने का। विक्रम और जिवेश माया को रास्ते में रोक लेते हैं और माया से बोलते हैं, यो टीचर जी, हमें थप्पड़ मारकर बड़ा मजा आया ना आपको, अब हम दोनों आपका वो हाल करेंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे विक्रम, जरा टीचर के हाथ तो पकड़ना। विक्रम, ये क्या कर रहे हो तुम? देखो मैं कहती हूँ, मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। तभी जिवेश अपनी जेब से ब्लेड निकालकर माया के हाथ पर जोर से कट मार देता है। माया जोर से चिल्लाती हुई विक्रम से अपने आप को छुड़ा कर वहाँ से भागने लगती है कि तभी एक कार माया को टक्कर मार कर निकल जाती है। अरे यार विक्रम, ये क्या हो गया, माया टीचर के सर से तो बहुत खून बह रहा है, कहीं ये मर गई तो। यार हम दोनों को यहाँ से भागना ही ठीक होगा,
और ऐसे बोलकर दोनों दोस्त वहाँ से भाग निकलते हैं। कार से टक्कर लगने से माया की मौत हो जाती है और वो एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है। नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकती, अभी तो मुझे मेरी बीमार माँ का कैंसर का ऑपरेशन भी करना है। अगर मैं तो मरकर एक चुड़ैल बन गई, मेरी मौत का जिम्मेदार वो कार वाला नहीं बल्कि जीवेश और विक्रम है। मैं छोड़ूंगी नहीं उन दोनों को, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं। ऐसे बोलकर चुड़ैल फिर से माया के रूप में बदल जाती है और अगले दिन स्कूल पहुंचकर अपनी क्लास में जाती है। माया को सही सलामत देखकर विक्रम और जीवेश के होश उड़ जाते हैं। यार जीवेश, ये माया टीचर तो बिल्कुल ठीक है, कार से टक्कर लगने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं हुआ। माया बुक लेकर बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है कि तभी जीवेश अपना नया फोन निकालता है। माया विक्रम और जीवेश को देख लेती है और दोनों के पास जाकर उनसे उनका फोन छीनकर डस्टबिन में फेंक देती है और वे एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। माया टीचर को चुड़ैल के रूप में देखकर क्लास के सभी स्टूडेंट थर थर कांपने लगते हैं। बहुत मजाक बनाया है तुम बच्चों ने मेरा, और बहुत शोर मचाते हो ना तुम सभी, तो अब शोर मचा कर दिखाओ। अरे क्या हुआ, शोर मचाओ ना, मचाओ ना शोर। चुड़ैल जोर से हंसते हुए बोलती है। क्या हुआ, आज पूरी क्लास एकदम शांत है, सबको शांत होना भी चाहिए क्योंकि मैं माया टीचर नहीं बल्कि मैं माया चुड़ैल हूँ, और अब सबसे पहले सजा विक्रम और जीवेश को मिलेगी। अरे ये क्या, जीवेश और विक्रम तुम दोनों दोस्त अभी तक मुर्गा नहीं बने। चुड़ैल जी हमें माफ कर दो, हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया है जो आप हमें इतना डरा रही हो। विक्रम की बात से चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वे विक्रम को डंडे ही डंडे मारने लगती है। अरे चुड़ैल जी मेरे दोस्त को इतना क्यों मार रही हो, छोड़ दो बेचारे को। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी और साथ में तुझे भी अच्छा सबक सिखाऊंगी। ऐसे बोलकर चुड़ैल जीवेश का गला पकड़ लेती है। जीवेश जोर से चिल्लाते हुए बोलता है। अरे चुड़ैल छोड़ दो, तू मेरे डैड को नहीं जानती हो, अगर उन्हें पता चला कि तूने मेरा गला पकड़ा है और मुझे बहुत मारा है तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे, तुझे जान से मार डालेंगे। चुड़ैल जोर से हंसते हुए बोलती है। तुम दोनों ने मुझे जिंदा छोड़ा ही कहाँ है जो मुझे मार डालोगे, मगर अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। जीवेश का शोर सुनकर प्रिंसिपल सर वहाँ आ जाते हैं और चुड़ैल को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्लास में चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे बच्चों आपकी माया टीचर कहाँ है और ये चुड़ैल क्लास में कहाँ से आ गई? क्लास का बच्चा रोहन प्रिंसिपल सर से बोलता है। प्रिंसिपल सर ये चुड़ैल ही माया टीचर है। माया तुम एक चुड़ैल हो और तुमने जीवेश का गला क्यों पकड़ा हुआ है? अरे छोड़ दो इस बेचारे को, नहीं तो ये मर जाएगा। नहीं छोड़ूंगी, इस विक्रम और जीवेश को जान से मार डालूंगी, इन्हीं की वजह से मैं चुड़ैल बनी हूँ। फिर चुड़ैल प्रिंसिपल सर को सारी बात बताती है। ये क्या किया तुम दोनों ने, तुम्हारी वजह से माया मैम की मौत हो गई। अरे तुम दोनों को पता भी है कि माया मैम के सर पर उनकी बीमार माँ की कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, उन्हें अपनी माँ के कैंसर का ऑपरेशन भी कराना था, अब बेचारी माँ का क्या होगा। हमें माफ कर दो टीचर जी, हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, हमें माफ कर दो। नहीं मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली, तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ से दूर हो गई, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है, अब उनका कैंसर का इलाज कैसे होगा, कौन उनका ख्याल रखेगा, बता मुझे। जीवेश और विक्रम को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो दोनों चुड़ैल से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। चुड़ैल जी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी माँ का कैंसर का ऑपरेशन कराऊंगा और उनकी पूरी देखभाल भी करूँगा, आप मुझे एक मौका तो दो। जीवेश की बात सुनकर चुड़ैल जीवेश को छोड़ देती है और जीवेश अपनी बात के कहे अनुसार माया की माँ का ऑपरेशन करता है और उनका पूरा ध्यान भी रखता है। ये देखकर माया की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो आखिरकार वहाँ से चली जाती है।